अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक देशंस। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में और इसको हम तफसील के साथ इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। चलो यहाँ लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको ये बताऊँगी कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हमने शुरू किया नंबर सिस्टम, आपको ये बताऊँगी कि नंबर सिस्टम होता क्या चीज़ है। आप किसी भी क्वान्टिटी को, किसी भी मिकदार को जाहिर करने के लिए किसी नंबर की हमें जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। मैंने ये बोला किसी भी क्वांटिटी के विकार को जाहिर करने के लिए हमें किसी नंबर की जरूरत पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब जो डेसिमल सिस्टम होता है इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, इशारे निज़ाम या डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब इसकी सबसे पहले है जब डेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात करेंगे रिडिक्स, रिडिक्स या फिर बेस। अब रिडिक्स या बेस होती क्या है, इसको समझने के लिए आप ये चीज़ ये एग्जाम्पल देख लें। फर्स्ट लेट्स गो टेक दो है, इसके अगर हम दो लगा दिए तो ये दो क्या चीज जाहिर करता है, इसकी पावर को जाहिर करता है। लेकिन अगर इस दो के नीचे टू के नीचे मैं टू लगा देता हूँ तो ये इसकी क्या होती है, बेस होती है। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा फाइव, ठीक है, और यहाँ मैं कोई भी एक फिगर लिख देता हूँ, लेट्स सपोज मैं टू लिख देता हूँ, तो इसका क्या मतलब हुआ, टू इसकी बेस है। इसी तरह मैंने फाइव लिखा, यहाँ पर 10 लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ, 5 की जो बेस है वो क्या है, 10 है। ठीक है जी, अब बेस का पता लग गया, मैंने पावर और बेस का डिफरेंस भी बता दिया। ये आप मैथ में भी करते रहते हैं, ये आपके कंप्यूटर्स में भी है, कंप्यूटर के लेक्चर में भी मौजूद है। इसी तरह जब आप वर्ड एक्सेल वगैरह करते हैं तो वहाँ ये दोनों ऑप्शन भी मौजूद होते हैं, बेस और पावर का। तो बेस या रिडिक्स आपको पता लग गया, बेस या रिडिक्स होती क्या चीज़ है, इस चीज़ का आपको आइडिया हो गया। अच्छा जी, बेस और रिडिक्स ये तो हमारे
बेस कितनी होती है 10, इस 10 से आपने मल्टीप्लाई करना है हर एक फिगर को, ठीक है। अब मैंने ये 2 मल्टीप्लाई पे 10 किया, आपने फिर लगाना प्लस, इसी तरह उसके बाद क्या आ जाता है 5, मैंने 5 लिखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई पे 10, उसके बाद फिर प्लस, ठीक है, उसके बाद 7 आ जाता है, तो मैंने लिखा 7 मल्टीप्लाई पे 10 प्लस, उसके बाद फिर 3 आ गया, मैंने लिखा 3 मल्टीप्लाई पे 10, ठीक है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, 10 के पर आपने पहले जो आपकी जो LSD साइड होगी, यानी कि आप किसको बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट जिसको बोलते हैं, वहां से आपने क्या करना है, इधर 0 बेस लगानी है, इधर आपने 1 कर देना है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, इस तरीके से आपने चलते रहना आगे, अगर आपके आगे कोई डिजिट्स आते हैं तो, ठीक है जी। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इस तरह भी हम इसको ले सकते हैं, इसको बाद में आगे भी सॉल्व भी किया जा सकता है, हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, तो हम फिलहाल यहीं तक रहने देते हैं, सॉल्व इंशाल्लाह जब इसकी एग्जांपल्स आएंगे तब हम इसको सॉल्व करेंगे साथ सबको। अच्छा जी, यहां आपको समझाने का मकसद क्या है, यहां आपको इस एग्जांपल को और डेसिमल नंबर शो में शो करवाने का मकसद आपको यह है कि दो चीजें आपको यहां बताया थी जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में हर साल आती हैं, डेफिनेशन आती है, वो क्या क्या आती है, LSD और MSD, यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सा है, ये फिगर है इनमें से लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन सा है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें कौन सा होगा, 3, ठीक है, क्या होगा जी, 3 होगा, और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन सा होगा, इसमें से 2 होगा, ठीक है। इस चीज से हमें क्या पता लगा कि जो सबसे हमारे पास जो आपके लेफ्ट हैंड पर होगा, जो डिजिट आपके लेफ्ट हैंड पर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा, और जो आपके राइट हैंड वाली साइड पर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएगा, जिस तरीके से मैं आप पढ़ा हूं, अगर आप पोजीशन अपनी चेंज कर लेते हैं तो उनकी भी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यानी कि राइट हैंड पे आपका क्या आ जाएगा, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएगा 3 राइट हैंड पे, और लेफ्ट हैंड पे आपका क्या आ जाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ जाएगा, ठीक है ना। आपने अपनी पोजीशन का भी ख्याल रखना है ये लिखते हुए, ठीक है। तो कोई भी फिगर आपको अगर दिया जाता है और लीस्ट सिग्निफिकेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो आई थिंक सो आप बता सकते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कौन सी होती है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की होती है, और मैक्सिमम वैल्यू जो होती है किसी भी डिजिट की वो क्या होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ये चीज आपको समझ लगी, आप इसमें नेक्स्ट देखते हैं क्या पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन नंबर के बारे में। तो आपको पता है जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी कि 4444 ये क्या है, कंप्लीट नंबर है, इसी तरह 2573 भी क्या है, एक कंप्लीट नंबर है कोई आपके पास, ठीक है ना। लेकिन आपके पास कोई ऐसा फिगर भी आ सकता है जो इशारे में आ सकता है, जो फ्रैक्शन नंबर में आ सकता है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये देखें जी, अब पॉइंट्स के बाद जो आपकी रकम होती है वो क्या कहलाता है, आपका फ्रैक्शन नंबर कहलाता है, यानी कि पॉइंट के इस पॉइंट के बाद या इशारे के बाद जो भी रकम होगी वो आपका क्या कहलाएगा, फ्रैक्शन नंबर कहलाएगा, वो आपका क्या कहलाएगा जी, फ्रैक्शन नंबर कहलाएगा। अब जैसे हमने इधर डेसिमल में इसको चेंज किया था, अगर फ्रैक्शन नंबर आ जाए तो उसको हम किस तरह तब्दील करेंगे ये देख लेते हैं हम। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, देखें जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, प्लस इसी तरह ये 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 10, इसी तरह उसके बाद क्या है, 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 10, इसके बाद फिर प्लस, उसके बाद क्या आ जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। यहाँ तक तो मैंने आपको पहले बता दिया था किस तरीके से करना है। अब क्या करना है, इधर आपने शुरू होना है इसके पर 0 1 2 3, अब इसको क्या करना है, पॉइंट या फ्रैक्शन नंबर को हमने किस तरह सॉल्व करना है, देखें इसको हमने करना है जी, हमने यहाँ लिखना है जी प्लस, क्योंकि इसके बाद स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ नीचे, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10, इसी तरह हमने लिखना जी प्लस ये वाला 4 पॉइंट के बाद, उसके बाद 6 है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10, प्लस आपने उसके बाद क्या लिखना है जी, 9 मल्टीप्लाई बाई 10। देखिए वहां हमने क्या किया था, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से हमने शुरू हुए थे 0 1 2 3 लगाते हुए। अब यहाँ आपने क्या करना है, जो फ्रैक्शन नंबर का पहला जो फिगर होगा यहाँ से आपने शुरू करना है जी, -1 -2 -3, इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप चलते जाना और उसको लिखते जाना जितने भी फिगर आपके पास होंगे। तो आपने उसको क्या लिखना है जी,
माइनस में लिखना है, पॉइंट के बाद वाली जो इशारे के बाद वाली रकम होगी उसको आपने क्या लिखना है, माइनस में लिखना है, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इस तरीके से आपने उसको लिखा जाना है। अब इनकी जो कैलकुलेशन करके जो आंसर आ जाएगा वो आपका क्या होगा, एक जो इनकी कैलकुलेशन करके आपका आ जाता है, तमाम जो डिजिट्स का मजमू आ जाता है वो आपको क्या कहलाता है, वो आपको क्या कहलाता है जी, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है जी, मैंने क्या कहा, आपका जो मुकम्मल फिगर है उसको और फ्यूजन नंबर को, अगर इन दोनों को हम सॉल्व कर लें, अगर फ्रैक्शन नंबर है, अगर फ्रैक्शन नंबर नहीं है तो उस वक्त जो हम उसकी कैलकुलेशन करते हैं, जो उसका आंसर आता है वो आपको क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। अगर आपके पास फ्रैक्शन नंबर है और फ्रैक्शन नंबर को और फ्रैक्शन के बगैर वाले नंबर को, उन दोनों को आप अगर हम सॉल्व कर लेते हैं डेसिमल नंबर में, जब हम माइनस करके जो भी इनकी स्क्वायर वगैरह लेके उनको सॉल्व कर लेते हैं, इस तरीके से जो आंसर आपका आता है वो क्या कहलाता है, तमाम डिजिट्स का मजमुआ, या आपका क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कहलाता है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, जाते जाते आपसे ये जरूर कहूँगा, अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करने और साथ दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की मजीद वीडियोज़ आपको बासानी तरीके से मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।